सो व्हाट्स अप गाइस, आज फाइनली संडे राइड का डे आ गया और हम अपनी बाइक वार्म अप कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हो रहे हैं अराउंड 6:05 एंड देखते हैं आज हैं 5-6 लोग हैं जो राइड पे जा रहे हैं। देखो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि बोल देते हैं लोग पर आते कम ही हैं, उनमें से बहुत कम लोग आते हैं। इतना ही सुबह सुबह किससे उठा जाता है यार। चलो थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, फिर चलते हैं हम अपनी राइड की तरफ। आज कहाँ जाएंगे देखते हैं, कहाँ जाते हैं आज। एंकल ऑल दो मैंने अपनी तरफ से सही कर लिया है, बस बाकी देखेंगे कि क्या होता है एंकल का भी। तो गाइज मैं रिकमेंड करूँगा जब भी आप बाइक स्टार्ट करो सुबह मॉर्निंग में, तो कम से कम 1 मिनट या 1 मिनट तो अराउंड होना चाहिए, क्योंकि बाइक प्रॉपर वार्म अप हो जाती है। क्योंकि सर्दियों में वैसे भी जो इंजन ऑयल होता है वो थोड़ा सर्दियों में दिक प्रॉब्लम होती है, डेट मीन्स कि पिस्टन तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाता है इंजन ऑयल। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा गाड़ी को स्टार्ट कर लिया करो, जिससे कि गाड़ी थोड़ी वार्म अप हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे वेट करूँगा, ये मेरा टेम्परेचर है, वेटर टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है। जब एक पॉइंट आ जाएगा उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा राइड को। तो देखते हैं कितने देर तक आता है, आ जाना चाहिए था तब तक तो यार। वो तो मैंने कल भी स्टार्ट की थी बाइक, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। चलो आ गया, चलो गाइस राइड शुरू करते हैं आज। जय बाबे दी। तो कुछ नए लोग आ रहे हैं आज ग्रुप में, शायद जो रात को डिस्कशन हुई है, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो नहीं पता, पर अभी ग्रुप में डिस्कशन हुई थी कि आ रहे हैं। तो लेट्स चेक कि कोई निकला है कि नहीं निकला। तो गाइस राइड शुरू हुई है, एक बंदा तो मेरे साथ आ गया है, मीन्स अपना पुराना यार दोस्त है वो आ गया है। तो अभी हम राइड पे राइड को शुरू कर दिया हमने। कॉन्टिनेंटल जी इंटरसेप्टर 650 है इसके पास, इसने भी रिसेंटली बाय किया। तो आज देखते हैं कहाँ तक जाती है राइड। चलो जी मैंने वाइजर बंद कर लिया अपना, क्योंकि हवा आ रही थी। बाकी लेट्स सी, भाई ध्यान हटा, दुर्घटना घटी, देखा था भी एकदम से मेरा ध्यान हट गया था और दुर्घटना घटने वाली थी। तो इसलिए जब भी बाइक चलाओ पूरा फोकस रोड पे होना चाहिए, कहीं और नहीं। तो चंडीगढ़ का सबसे बड़ा पेट्रोल पंप है 21 सेक्टर का, और ये 24 घंटे खुला होता है। अगर कोई भी यहाँ पर आ रहा है तो 24 घंटे यानी कि कभी भी आके पेट्रोल डलवा सकता है, पेट्रोल डीजल जो भी है वो डलवा सकता है। और ये बंदा कट मारे गया बड़ा गलत वाला, भाई लोग ना देखते नहीं है, तो खुद का बचाव खुद ही करना पड़ता है इंसान को। इसलिए थोड़ा देख के चलाओ, मैं तो यही रिकमेंडेशन दूंगा सबको। अभी फिलहाल 2 बाइक ही हैं अपने साथ और हाई स्पीड पे मुझे पता है कि साउंड कैसी आती है, हाई स्पीड पे साउंड अच्छी नहीं आती है। तो मैं ट्राई करूंगा, मैंने माइक कंडीशन चेंज किया, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद हाई स्पीड पे साउंड अच्छी आएगी। तो अगर आएगी तो देखते हैं, चलते
चेक कर देंगे आज टैक्सी में रहेगी और अच्छे से, तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए हम कुछ और देखते हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ और डाल के देखते हैं, कोई और कवर कवर या कुछ भी जो कवर आता है इसका, माइक का कवर वैसे मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसके अंदर कुछ नहीं डाल के देख लेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं होता है फिर तो मुश्किल ही है। ओहो कर लिया, हमने भी ध्यान नहीं दिया इतना, और हमारे ग्रुप का तो कोई है ही नहीं बंदा भाई, तो ये नए बंदे हैं इनमें से, ये जो इंटरसेप्टर पे है ये अपना पुराना यार है, और जो कॉन्टिनेंट चला रहा है ये इसका यार है, तो हमने सोचा कि चलो एक छोटी सी संडे को मीटअप कर देते हैं ताकि हम आगे जो राइड करेंगे उनमें हमारे को फायदा हो जाएगा, हम एक दूसरे को जान भी लेंगे और अगर आगे लंबी राइड मारते हैं तो उसका फायदा हो जाता है। और ये गाइस जो हम जिस रोड पे हम जा रहे हैं बेसिकली शिमला चंडीगढ़ टू शिमला ही है, चंडीगढ़ टू शिमला सोलन ये सारा यहीं से जाता है रोड, यहीं से है सारा कुछ जो भी है, तो बहुत ही साफ अच्छा रोड है, बहुत ही मीन्स अभी तो जब से टू लेन हुआ है तब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, पहले तो जैसे सिंगल रोड दिख रही है आपको ऐसे ही होता था सारा रोड, तो एक्सीडेंट्स वगैरह और वैसे भी बहुत कुछ होता था यहाँ पे, तो अब फिर भी थोड़ा बेटर है क्योंकि अब हो गया है, तो अब गाड़ियाँ देखो डिवाइडर बीच में लग चुका है, तो गाड़ियाँ अपना अपने उससे जाती हैं, गाड़ियाँ भी जाती हैं, हमको पता नहीं था कि गाड़ी उधर से रास्ता बंद है, इधर से ही आएगी गाड़ी, भाई व्यू तो बहुत ही सेक्सी है यार, बहुत सेक्सी व्यू है, मैं कह रहा हूँ कि मजा ही आ गया व्यू का, तो अपना अलग ही सीन चल रहा भाई, और जो लीनिंग करने मजा आ रहा भाई, तो बस क्या बताएं हम भैया, अल्फाज नहीं है बोलने के लिए कि क्या ही मजा आ रहा है। ये बंदे जा रहे हैं अपना भाई, गाड़ियों वाले भी यार कई लोग तो ऐसे होते हैं ना जो कि बिना मतलब ही बीच में घुस जाते हैं, पता ही नहीं कि कोई पीछे राइडर भी आ रहा है, कुछ और भी है लोग, जरूरी नहीं कि राइडर ही हो, गाड़ी वाले भी होते हैं यार, तो अपनी लेन पे जाना चाहिए, हम देखो अपनी लेन पे बननी चाहिए, अगर आप एक लेन में हो आप मिरर्स देखो, मिरर में देख लो कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा है, तभी टर्न दो, जैसे मैं कोई भी टर्न ले रहा हूँ तो मैं मिरर खोल के ले रहा हूँ, मिरर खुले हैं मेरे, मैं देख रहा हूँ कि पीछे तो नहीं आ रहा है तब मैं टर्न ले रहा हूँ, ताकि पीछे वालों को भी दिक्कत ना आए। तो जी हम आ गए टर्नल पे, और मेन जान बंदा हो वो तो फिर
भाई बीच में कुछ रहता हूँ वहां से, मैं भी कुछ आने लगा था वहां से। सेक्सी वाला टर्न साउंड बाइक की, नहीं पहले तो पता ही नहीं लग रहा बाइक है कि नहीं है। सेक्सी स्टैंड में लग गया लड़के का। और ये हमारे हैं पुलिस वाले भैया जो कि चेकिंग पे हैं।